मुरादाबाद में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व 27 नवंबर सोमवार को निर्मल आश्रम गुलाबबाड़ी गुरुद्वारा कड़घर पर धूमधाम से मनाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग डाले गए, जिसके बाद नवधा भक्ति में श्रेष्ठ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आरती, धूप, दीप, शंख, घंटे, घड़ियाल आदि के वादन किए गए। गुरुवाणी का रस भिन्ना कीर्तन भाई बलविंदर सिंह के जथे द्वारा श्रवण कराया गया, अरदास रानी कौर द्वारा की गई। उसके उपरांत गुरु का लंगर यानी कि भंडारा आयोजित हुआ। श्री निर्मल आश्रम ऋषिकेश से विशेष रूप से पधारे संत बाबा ज्योत सिंह जी महाराज ने सभी संगत को प्रसाद रूप में फल वितरित किए। लंगर सेवा में भूपेंद्र सिंह, वजीर सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह, चरणजीत सिंह, इंसाफ सिंह आदि ने सेवा की। परिवर्तन दी चेंज के स्वयं सेवकों ने कपिल कुमार के नेतृत्व में लंगर बरताने की सेवा की। वर्क की टीम अब्दुल मन्नार की अगुवाई में विभिन्न सेवाओं में लग रहे। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार, सुभाष गुप्ता, ज्ञानेंद्र गांधी, मनोज पर्वतारोही, कंचन खन्ना, अरविंदर सिंह एडवोकेट, मनोरमा गुप्ता, रमेश आर्य एडवोकेट, रीता मिश्रा, इंदु कौर, रंजना भाटिया, निर्मल कौर, सिमरन कौर, इंद्र कौर आदि मौजूद रहे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा आश्रम के महंत गुरविंदर सिंह द्वारा किया गया और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज के 555वें प्रकाश पर्व पर आज समारोह आयोजित हुआ। श्री निर्मल आश्रम गुरुद्वारा गुलाबबाड़ी कड़घर पर सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ के भोग डाले गए, उपरंत गुरु ग्रंथ साहब का आरती पूजन किया गया। उसके बाद भाई बलविंदर सिंह और उनके साथियों द्वारा रसभिन्ना कीर्तन श्रवण कराया गया। उसके उपरांत गुरु का लंगर भंडारा अतुट वर्ता जो देर शाम तक चल रहा था।